is here. iPhone 12 series finally भारत में आ गई है और साथ में आ गया है कस्टमर्स में कंफ्यूजन भी कि कौन सा iPhone खरीदना चाहिए. Now this is the iPhone 12 जो आप देख रहे हैं. This is product red और ये जो है Pacific Blue, ये है iPhone 12 Pro. अब दोनों ही फोन्स में कंफ्यूजन है कि कौन सा खरीदना चाहिए. वेल, अगर iPhone 12 खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या कुछ और पैसे देकर iPhone 12 Pro खरीद लेना चाहिए और क्या वर्थ इट है कि अगर इतना पैसे दें और प्रो खरीदें? वेल, आपको देंगे हम डिटेल हैंड्स ऑन कंपैरिजन बिटवीन iPhone 12 एंड 12 Pro और आप डिसाइड कर पाएंगे फिर कि कौन सा iPhone आपको खरीदना चाहिए और साथ में आपको देते रहेंगे हम वर्डिक्ट भी. सिमिलैरिटीज काफ़ी हैं, डिफरेंशिएटर्स पे बात करेंगे और फिर डिसाइड करना आप कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए और किन लोगों को iPhone 12 खरीदना चाहिए और किन को प्रो खरीदना चाहिए ये भी बताएंगे. आप देख रहे हैं टेक तक, मैं हूँ श्रुति शर्मा. iPhone 12 और 12 Pro में सिमिलैरिटीज काफ़ी हैं. प्रोसेसर एक ही है, वायरलेस चार्जिंग इनमें दी गई है, साथ ही अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो दोनों का डिज़ाइन भी आपको सेम लगेगा. सो क्वाइट अ मेनी सिमिलैरिटीज, लेकिन डिफरेंशिएटर में सबसे पहला डिफरेंशिएटर है इनका डिज़ाइन. सो लाइक वी टोल्ड यू, फ्रंट से अगर दोनों फ़ोन आप देखेंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल लगेंगे, लेकिन द डिफरेंस लाइज एट द बैक. बताते हैं आपको. सो आईफोन 12 में अगर आप देखेंगे तो उसका जो फ्रेम है साइड का वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है एंड जो बैक है वो ग्लॉसी है लेकिन ग्लास की है. वहीं इफ़ यू टॉक अबाउट द आईफोन 12 प्रो, वहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इसकी बैक है वो ग्लास की है लेकिन मैट फिनिश दी गई है और साथ ही जो फ्रेम है दैट इज स्टेनलेस स्टील. अब नाउ फ्रेम स्टेनलेस स्टील का होने की वजह से iPhone 12 Pro iPhone 12 से थोड़ा भारी हो जाता है, लगभग 25 ग्राम, विच इज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर. लेकिन अगर आप फ़ोन दोनों को इकट्ठे पकड़ेंगे तब आपको डिफरेंस फील होगा, अदरवाइज इट्स ऑल द सेम. और क्योंकि iPhone 12 की जो बैक है वो ग्लॉसी है इसीलिए इसमें फिंगरप्रिंट्स निशान काफ़ी दिखते हैं, लेकिन मैट में ऐसा कुछ नहीं है. The next difference that lies in the design is the color palette. अगर color palette की बात करें तो iPhone 12 में जो colors हैं काफ़ी vibrant color आपको दिखेंगे. आपको white मिलेगा, आपको product red मिलेगा. The very young colors if you may say so. And जो iPhone 12 Pro है उसके colors थोड़े subtle हैं. आपको थोड़ा classy colors मिलेंगे like graphite, silver, gold and the new one Pacific Blue which is my favorite right now. So well, the verdict on the design is that the iPhone 12 is more youngish, it is lightweight and this is everyday phone. और वहीं दूसरे फ़ोन की बात करें which is the iPhone 12 Pro, this is a little classy, luxurious and थोड़ा सा भारी है लेकिन looks good in the hand. And well, design तो any which ways personal taste पर फिर decide किया जाता है, so that decision you have to take. So very big differentiator here is camera. जी हाँ, iPhone 12 में आपको दो कैमरा मिलते हैं, 12 megapixel plus 12 megapixel which is a wide angle and ultra wide angle. वहीं iPhone 12 Pro में आपको मिलेंगे तीन कैमरा जिसमें कि दो कैमरा है 12 megapixel plus 12 megapixel which makes it wide and ultra wide and again one more camera which is a telephoto lens जो कि LiDAR के साथ आती है. अब आपको बताते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है. सो iPhone 12 में जैसा बताया दो लेंसेज हैं, द वन लेंस इज वाइड एंड द अनदर वन इज अल्ट्रा वाइड और वही सेम कैमरा सेटअप आपको 12 Pro में मिलेगा विद वाइड लेंस एंड अल्ट्रा वाइड. डिफरेंशिएटर जैसा बताया टेलीफोटो लेंस है, वहीं पर टेलीफोटो लेंस इज मिसिंग इन द iPhone 12. तो उसमें अगर आपको लो लाइट में फ़ोटो खींचनी है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको 12 Pro से मिल पाएगा. हैविंग सेड दैट, टेलीफोटो लेंस iPhone 12 में नहीं है लेकिन उसमें मैनुअल जूम आप कर सकते हैं विच कैन गो अप टू अ सर्टेन लेवल, लेकिन हाँ उतना जूम नहीं मिलेगा जितना आपको 12 Pro में मिल जाएगा. बट इफ़ दैट इज़ अ कंसर्न दैट आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए, आप जूम शॉट्स लेते हैं तो 12 Pro खरीदिए. अगर आप नहीं लेते हैं एंड यू ओके विद द 12 देन आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो. सो बिकॉज टेलीफोटो लेंस मेरे हिसाब से इन एवरीडे यूजेज ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं देता है और हम ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो वी कैन गो हैड विद द 12 ऑल्सो. सो iPhone 12 Pro में ये जो थर्ड एडेड लेंस है ये है टेलीफोटो लेंस जिससे कि आप जूम शॉट्स ले सकते हैं और इसमें LiDAR दिया गया है. नाउ जूम लेंस आपको तब काम आती है जब आपको कुछ क्लोज शॉट्स लेने होते हैं सब्जेक्ट के. सेकेंडली, LiDAR आपको ऑगमेंटेड रियलिटी रीड करती है और आपको काफ़ी अच्छी मेजरमेंट्स लेती है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ,
AR apps हैं उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करती है, और साथ ही लो लाइट फोटोग्राफी में LiDAR स्कैनर जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। यानी अगर लाइट कम होगी, लो लाइट होगी, तो आपको 12 Pro जो है काफ़ी बेहतरीन शॉट्स दे पाएगा। सो लाइक वी टोल्ड यू, अ बिग डिफरेंशिएटर द कैमरा लेंस, लुक्स में भी और अदरवाइज भी। सो अगर आप कैमरा के हिसाब से फ़ोन डिसाइड करना चाहते हैं, तो दो लेंस जो आपको मिल रहे हैं iPhone 12 में वो आप खरीद सकते हैं। अगर जूम शॉट्स लेते हैं, लो लाइट फोटोग्राफी करते हैं, LiDAR स्कैनर चाहिए जहां पर लो लाइट में नाइट में अच्छे शॉट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको 12 Pro खरीदना चाहिए। हालांकि 12 में भी नाइट मोड दिया गया है विच इज़ सफिशेंट इनफ, और एवरीडे यूजेज के लिए अगर हम नाइट शॉट्स लेते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। पर अगर आप खरीदना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा लेंस आपको चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट डिफरेंशिएटर हियर अगेन इज़ द बजट, द स्टोरेज, द प्राइसिंग। वेल, आईफोन मोस्टली इसलिए भी लोग खरीदते हैं क्योंकि आईफोन की जो वीडियो क्वालिटी है, जो स्टेबिलिटी है, वो परफेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्मार्टफोन फॉर दैट मैटर। सो वीडियो एक कंसर्न है जब लोग फ़ोन खरीदते हैं, विच इज़ एन आईफोन। तो आपको बता दें कि आईफोन 12 प्रो में आप HDR वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं विद डॉल्बी विजन एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। वहीं अगर हम आईफोन 12 की बात करें तो उसमें भी आप HDR वीडियोज विद डॉल्बी विजन शूट कर सकते हैं, लेकिन एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। वहीं 12 में आपको 5x डिजिटल जूम दिया गया है एंड 12 प्रो में योर जूम गोज अप टू 10x। सो यस, दिस इज द डिफरेंशिएटर बिटवीन द वीडियो क्वालिटी ऑफ द आईफोन 12 प्रो एंड द आईफोन 12। सो वीडियोज हमने शूट करे हैं आईफोन 12 प्रो से और 12 से भी, दैट वी आर शोइंग यू। सो द ओनली डिफरेंस दैट यू कैन एक्चुअली फिगर आउट हियर इज, यस, द प्रो कैन गिव यू 10x डिजिटल जूम शॉट्स, एंड यस, एप्पल में जो प्रो फोन है 12 प्रो वो रॉ फुटेज शूट करता है। वेल, गेमिंग एंड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंशिएटर्स। वहाँ पे आपको बता दें कि परफॉर्मेंस दोनों फ़ोन की अगर बात करें, उससे पहले आपको बताएं कि जो आईफोन 12 है उसमें 4GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, और वहीं जो आईफोन 12 प्रो है उसमें 6GB दी गई है, और इनका जो बेस वेरियंट है प्रो का शुरू होता है 128 से, और वहीं 12 का बेस वेरियंट शुरू होता है 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। सो ये स्टोरेज में डिफरेंस है, लेकिन अगर आप एप्पल यूज़ करते आए हैं और आईफोन यूज़ करते आए हैं, तो यू नो इट दैट द स्टोरेज इज़ नॉट रियली अ कंसर्न व्हेन यू बाय एन आईफोन। और अगर आप आईफोन को लंबा चलाना चाहते हैं, ज़्यादा वक्त इस्तेमाल करेंगे, तो वो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 64GB का आईफोन 12 खरीदना है या आपको आईफोन 12 खरीदना है प्रो 128GB से। लेकिन अगर आप 12 को अपडेट करके आप जाते हैं 128 पे या 256GB पे, तो जो डिफरेंट है बेस मॉडल में आईफोन 12 प्रो के और 12 में सिर्फ लगभग 20 से 25 हज़ार का रह जाता है। लेकिन क्या तब भी वर्थ इट है आईफोन 12 खरीदना और इतना पैसा इन्वेस्ट करना? वेल, आपको बता दें कि दोनों में ही A14 बायोनिक चिप दी गई है, और परफॉर्मेंस जो है लगभग दोनों की सेम ही है। हालांकि गेम जब हमने खेली दोनों फ़ोन्स में, तो हमें बैटरी बैकअप जो है वो लगभग आधा घंटा प्रो में फॉर सम रीज़न ज़्यादा मिला, लेकिन बैटरी भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है। सो यस, अ डिफरेंशिएटर हियर इज द गेमिंग, वेयर इन इफ यू आर अ गेमर एंड इफ यू प्ले गेम्स ऑन द आईफोन्स, विच आई डू लव टू, सो आपको प्रो में थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा मिल जाएगा। नाउ दैट्स मे बी बिकॉज ऑफ अ बिट एक्स्ट्रा स्टोरेज दैट्स गिवन इन द आईफोन 12 प्रो। सो डिफरेंशिएटर की लाइन आपको हमने पूरी बता दी है, लेकिन एक जो सबसे ज़रूरी डिफरेंशिएटर है जहाँ पूरी बात आके अटक जाती है, पैसे। जी हाँ, 64GB आईफोन 12 अगर आप खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत आपको पड़ेगी 79,900, यानी 80,000 रुपये। वहीं अगर आप आईफोन 12 प्रो खरीद रहे हैं तो उसका बेस वेरिएंट आपको मिलेगा 128GB का 119,900 रुपये, यानी लगभग 120,000 रुपये। सो क्या आपको आईफोन 12 से प्रो में जाने के लिए वो 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च करने चाहिए? वेल, अगर आपका काम बिना एक लेंस के चल जाता है, और आपका काम अगर जूम शॉट्स का नहीं है, लो लाइट फोटोग्राफी ज़्यादा नहीं करते हैं, हालांकि आईफोन 12 में जैसा बताया लो लाइट फोटोग्राफी का भी ऑप्शन है और डिसेंट शॉट्स आते हैं, और थोड़ा यंगिश फील चाहिए, लग्जूरियस चीज़ नहीं चाहिए पर प्रीमियम चाहिए, तो 12 खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 20 से 25 हज़ार रुपये और खर्चने के लिए हैं, तो फिर 12 ही ले लीजिए। सो वेल, वन थिंग दैट पीपल हैव बीन आस्किंग अस और डाउट क्लियर करना चाहते हैं, और वो ये कि अगर आप कोई प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीद रहे हैं जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 80 से 90 हज़ार या लाख रुपए, तो क्या आपको प्रीमियम एंड्रॉयड में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको
आईफोन खरीदना चाहिए? वेल, ये भी हम आपको बता दें कि दोनों के एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग अलग है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते आए हैं तो आईफोन पे आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट यू विल गेट द हैंग ऑफ इट एंड यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ द iOS। वेल, द सेकेंड थिंग हियर इज कि कैमराज डिफ्रेंशिएट ज़रूर होते हैं। आपको अच्छी फोटोग्राफी मिलेगी प्रीमियम स्मार्टफोन्स में भी जो एंड्रॉयड है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन वीडियोस मिलते हैं आपको आईफोन्स में। सो यस, नथिंग बीट्स अ वीडियो फोटोग्राफी फ्रॉम द आईफोन इफ़ यू कंपेयर इट टू एनी प्रीमियम स्मार्टफोन इन एंड्रॉयड कैटेगरी। सो ये एक बिग डिफ्रेंशिएटर है अगर आप स्विच करना चाहते हैं या आप डिसाइड करना चाहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन खरीदना प्रीमियम कैटेगरी का या आईफोन खरीदना। सो यस, आईफोन हैज़ वन अप हियर व्हेन वी टॉक अबाउट शूटिंग videos from the iPhone 12 or 12 Pro of any iPhone for that matter. So well, if you're an Apple fan, you like iPhones, तो हो सकता है आप शायद दोनों ही फ़ोन खरीद लें, और अगर पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं तो हो सकता है आप 12 खरीद लें, थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं तो 12 Pro खरीद लेंगे। लेकिन अगर एक कंसर्न कस्टमर हैं जिनको एक अच्छा फ़ोन चाहिए, एवरीडे यूजेज के लिए फ़ोन चाहिए, तो आप खरीद सकते हैं iPhone 12। बट इफ़ दैट टेलीफोटो लेंस एंड दैट जूम लेंस, द नाइट फोटोग्राफी, द LiDAR स्कैनर मैटर्स फॉर यू, देन यू कैन गो फॉर अ मच क्लासी लुक विद द iPhone 12 Pro. We told you about the differentiator. आपको दिया हमने hands-on comparison between the iPhone 12 and 12 Pro. Now you decide which one would you be buying. Comment section में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया और आप कौन सा फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं, iPhone 12 या 12 Pro.